वृक्ष मिथुन करक हैं और मेघ वृक्ष वृक्ष राशि वालों के लिए कुंभ मीन मेघ वृक्ष चतुर्थ यानी दशम स्थान पर शुक्र देव चलेंगे। तो दशम स्थान के जब शुक्र क्या कराएंगे, दशम स्थान के शुक्र आपके लिए अच्छी पोजीशन दिलाने वाले रहेंगे। भूमि भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं देंगे, साथ साथ में आपको पत्नी का सुख भी अच्छा देंगे और साथ साथ में आपके जो है सो रोग शत्रुओं का विनाश करने वाले रहेंगे। धन और कुटुंब में वृद्धि करने वाले रहेंगे। वाणी में आपकी वर्चस्व वाणी रहेगी। इस प्रकार से शुक्रदेव अच्छा कार्य कराने वाले रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और मिथुन बुधदेव क्या करेंगे, बुधदेव भी जो ग्यारहवें स्थान पे तो कुंभ मीन मेघ वृक्ष ग्यारहवें एकादशे सर्वलाभम ग्यारहवें स्थान पर आपके वृषभ राशि वालों के लिए दशम स्थान पर शुक्रदेव बुधदेव रहेंगे। तो बुधदेव कर्म में ईक्षितम कर्म स्थान पर अच्छा फल देने वाले होंगे। पिता का स्वास्थ्य सुमारेंगे, पिता के लिए ठीक रहेगा और व्यापार वर्ग में आपको लाभदायक सिद्धि प्राप्त होगी। और सूर्यदेव 14 तारीख को परिवर्तन हो रहे हैं, 14 मार्च को जब परिवर्तन होंगे तो 14 मार्च के पहले अभी जो है वो चल रहे हैं कुंभ राशि पर और उस पर मीन राशि पर जाएंगे। 14 तारीख को मीन राशि पे पहुंच जाएंगे। अभी कुंभ राशि पर होने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए दशम है, दशम स्थान पर होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य रुके होंगे वो दूर हो जाएंगे और गवर्नमेंट से आपको कार्य सिद्धि मिलेगी। कोर्ट मुकदमा चल रहा है उनके लिए भी ठीक अच्छा अनुकूल समय है। और उसके पश्चात यही सूर्यदेव आपके लिए 14 तारीख के बाद में आपके मीन राशि पे पहुंच जाएंगे। 14 मार्च के बाद जब मीन पे पहुंच जाएंगे तो आपकी वृषभ राशि से एकादशे सर्वलाभम यानी ग्यारहवें स्थान पर लाभप्रद हो जाएंगे। अभी दशम है फिर ग्यारहवें लाभप्रद हो जाएंगे। गवर्नमेंट में लगे हुए व्यक्तियों के लाभान्वित होंगे, पदोन्नति होगी। जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट का उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कोर्ट मुकदमा की विजय आपके पक्ष में जाएगी। इस प्रकार से ये सूर्यदेव अपना फल प्रदान करने वाले रहेंगे। मंगल देव जो है वो मंगल देव वृषभ राशि पर ही चल रहे हैं, अपनी राशि पर होने के कारण मंगल देव थोड़े से वाणी में ओजस्विता बढ़ाएंगे। वाणी में जो है तो व्यक्तित्व में थोड़ी सी क्रोध की वाणी निकलेगी और दाहिने नेत्र में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, ऊष्मा बढ़ सकती है और धन कुटुंब में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस प्रकार से मंगल देव राहु देव भी आपकी राशि पर चल रहे हैं। वृषभ राशि पर राहु देव चलने के कारण राहु अचानक जो है तो राहु मंगल का जो योग है वो धन और कुटुंब में वृद्धि का के साथ साथ सबसे ज्यादा धन और धन से संबंधित कुटुंब में विवाद विघटन की पैदा स्थिति करेंगे। क्योंकि दोनों उग्र ग्रह हैं, दोनों ही समान उग्र हैं और द्वितीय घर में होने से वाणी के स्थान पर धन और कुटुंब के स्थान पर होने से ये विशेष करके आपकी राशि पर ही चल रहे हैं तो आपकी राशि पर ये विशेष करके हानिकारक सिद्ध होंगे। यानी आपकी क्रोध की मात्रा बढ़ाएंगे, अनेक प्रकार से आपको ओजस्विता बढ़ेगी और आपको विवाद की स्थिति निर्मित करने का स्वभाव बना देंगे। इस प्रकार से आपके राहु शनि बनाएंगे। और गुरुदेव क्या करेंगे, गुरुदेव आपकी राशि वृषभ से इस समय जो चल रहे हैं मकर पर चल रहे हैं। मकर पर चलने से कारण आपके मकर कुंभ मीन मेघ वृक्ष यानी पंचम नवम पंचम होने के कारण इस समय आपके वृषभ राशि वालों के लिए नौमे गुरु भाग्य वृद्धि का रख है। आपके संतान सुख अच्छा रहेगा, संतान में पीड़ा जो है दूर हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई में संतान के लिए उन्नति करेंगे और अनेक स्रोतों से भाग्य का विकास होगा और धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, पूजा पाठ में भी मन लगेगा और दान पुण्य में भी आपका मन अच्छा रहेगा और आप जो है एक सुंदर जो है व्यक्तित्व बनाने वाला ये महीना रहेगा। इस बार गुरुदेव जो है संतान के लिए ठीक है, भाग वृद्धि के लिए ठीक है तो ये गुरुदेव की स्थिति रहेगी। शनिदेव जो है वो भी नौवें भाग्य वृद्धि है या नवम स्थान पर चल रहे हैं तो इसमें बड़े भाई को भाइयों को बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा पीड़ा कारक है अथवा उनसे मन मुटाव हो सकता है।
और उसके पश्चात छोटे भाई बहनों की स्थिति भी ऐसी रही। रवि रवि हन्यास शनिश्चरा शनि हन्यास पनिश्चरा छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा कष्टकारक समय बना सकते हैं। आपके शरीर में आलस्य प्रमाद के कारण आपके कार्यों में मन नहीं लगेगा। कर्म क्षेत्र में सुधार जुझारू प्रकृति होते हुए भी आप थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। इस प्रकार के शनिदेव आपका कार्य कराने वाले हैं। इस प्रकार से पूरे महीने भर आपका जो गोचर ग्रह है वो अच्छा फल तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही अनिष्टकारी फल देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा ये महीना थोड़ा सा असमंजस भरा रहेगा। थोड़ा सावधानी से ही आपको विशेष रहना है, क्योंकि इस महीने में शनि और मंगल दोनों, राहु और मंगल एक साथ में आपकी राशि पर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी ही बरतने में श्रेयस का लाभ मिलेगा। केतु की स्थिति क्या रहेगी? केतु वृश्चिक राशि पर है और आपकी जो है सो वृषभ है, वृख मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक, यानी साथ में सप्तम स्थान पर है, तो पत्नी का स्वास्थ्य स्वभाव ये दोनों बिगाड़ने वाले रहेंगे। इस प्रकार के पूरा महीना भर आपको सुख शांति और थोड़ी सी परेशानी से युक्त आपका महीना मिला जुला फल देने वाला रहेगा। मंगल कामना करता हूँ, आपका महीना बहुत ही अच्छा बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।